गीता देवी, अब तुम्हारी हमारी लड़ाई शुरू होती है। आज इस लड़ाई में एक भाई अपनी बहन के सामने खड़ा है। जो तुम्हें करना है वो तुम करो, और जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे। आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। वो राखियां हैं जो तुम हमें हर साल बांधती आ रही हो, पर हम पागल थे जो इन्हें संभाल के रखा। लेकिन आज से तुम्हारा और हमारा सिर्फ एक रिश्ता है, और वो है दुश्मनी का। बस दुश्मनी। देखो बेटा, तुम जो कर रही हो वो ठीक है, एकदम ठीक है। बस तुम अपने धर्म को ईमानदारी से निभाओ। अब जो हुआ सो हुआ, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। कब तक ऐसे बैठी रहोगी? अब बिल्कुल ठीक है मामी, मैं कुछ नहीं हुआ है। हाँ थोड़ा बुरा जरूर लगा है, पर हम हारे नहीं है। हमें तो बस काम्या भाभी की चिंता हो रही है। राहुल भैया कह रहे थे उनकी तबीयत बहुत खराब है, अगर इस हालत में हमने उन्हें घर खाली करने के लिए कहा वो लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन बेटा ये लड़ाई है, और लड़ाई में अपनी जीत की सोचो बेटा। बस दुश्मन को मौका देना मतलब अपने जीत की नींव को हिलाना। हम मानते हैं कि ये लड़ाई है मामी, लेकिन ये अत्याचार खत्म करने की लड़ाई है, अत्याचार करने की नहीं। और आप ही ने तो हमसे कहा था कि ये हमारा धर्म युद्ध है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर हम में और मालिनी यादव में कोई फर्क है?
हम बदले की भावना में अंधे नहीं होना चाहते, और वैसे भी हमारे परिवार ने हमेशा लोगों की जान बचाई है। हम किसी की जान लेकर कोई पाप नहीं करना चाहते। हमने सोच लिया है मामी, हम घर खाली नहीं करवाएंगे। हम नोटिस वापस ले लें। नहीं मामी, हमने फैसला कर लिया है। हमें पता चल गया गीता जी, काहे आप हर पल आंसू की नदियां बहती रहती है, इसलिए ना कि आपकी चमकती आंखों में आपका भड़कपन ये दुनिया देख ना पाए। छुपाती हैं आप अपने आप को गीता जी, छुपाती हैं आप। क्या हो गया बे? हम तो साला इमोशनल हो गए। ये बजरंग बली भक्त को ये दो ही हड्डी की लड़के हिला दी। वो जिंदगी में पहली बार लोगों ने इसे घर वापस लाने की परमिशन कैसे दे दी? मम्मी जी, जब तक हम ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं करेंगे, तब तक तो हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर सकते, और काम्या की देखभाल घर पे बेहतर होगी। काम्या, देखो तुम बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल चिंता मत करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी और पहले की तरह हंसती खेलती दिखोगी सबको। और फिर हमारे सर की मालिश भी तो करनी है ना तुमको। बस बेटा, बस बेटा, बस तू हमको मार दे। अरे अभी सब हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो हमको मार दे बेटा। हम तुम्हारे गुनेगार हैं, मार दे हमको, माफ कर दे बेटा। ये सब हमारी वजह से हुआ है ना, हमारी वजह से हुआ है, सच कहते हैं। अरे यही सच्चाई है बेटा, यही सच्चाई है। अरे हम चाहे जितना भी रो ले, पर इस सच्चाई को धो नहीं सकते। हमको तो कुछ समझ नहीं आता, हमारे ये आंसू अब कोई वैल्यू के नहीं है। अरे पूरी दुनिया में हम जैसी मदर ढूंढ के भी नहीं मिलेगी जिसने अपने खुद की बेटी को मौत के कुएं में ढकेल दिया। हमको माफ कर दे बेटा, ये सब हमारी गलती है। अरे आप अभी कहाँ कह रही हैं सासू माँ?
दरअसल इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमने काम्या की शादी दिल्ली में ही किसी से कर दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। नहीं नहीं दादाजी, सब मत बोलिए, अब हम ये बोझ के साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। अरे हमारी बिटिया देखा तो हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से हमको माफ कर दे। मम्मी जी संभालिए ना अपने आप को। हाँ मम्मी, हंस के जी, हमें पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हाँ बोल बच्चा, मेरी बात कर दो। मम्मा मुझे याद है, बचपन से लेकर आज तक अपने इन्हीं हाथों से तुम मुझे धमकियां देकर सुनाती थी। आशा नीलम दीदी से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ बेटा, हमेशा मेरे पीछे लगी रहती थी, कहीं मेरी काम्या बिटिया को खरोच न लग जाए। हाँ मेरा बच्चा। मम्मा मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। हम जानते हैं, हम भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अपनी इसी बात पर उंगली उठाकर मुझे अपने आप से लड़ने पर मजबूर मत करो माँ। इस वक्त मैं हर घड़ी अपनी माँ से लड़ाई लड़ रही हूँ। नहीं, और अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो मेरी मौत से चल रही है लड़ाई, मैं हार जाऊंगी माँ। नहीं चुप 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 हो जा, एकदम मैं चुप। ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला, हम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे हम तुमको, समझी का, कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा ऐसा बोली ना तो मार देंगे तुमको, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं। खट्टर बाबू, अगर कामिया को कुछ हो गया तो क्या करें बताइए। पता है कामिया के खोपड़िया में खून जम गया है, और ठीक हुए जगह उन जगह आप सब लोग मिलकर उसका माथा फोड़े। अगर कामिया मर मुरा गई तो जैसा आप लोग चाहते तो वैसा तो हुए जाएगा, और फिर क्या बात, आप लोग ही सुनकर खुश नहीं हुए। चलिए एक तो और बात बताते हैं, शायद ही सुनकर आप लोग खुश हो जाए। अभी तक आप लोग का ऊपर दहेज कानून का केस चल रहा था, सेक्शन 498A, और अगर वो कामिया मर जाती तो सेक्शन 302 भी लग जाएगा, मतलब मर्डर। यानी 7 साल से सीध उम्र कैद या फिर फांसी। फिर आप लोग आराम से यहां इस जेल में बैठकर बतियाते रहिएगा और प्राश्चित करते रहिएगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करना छोटे रखे, कृपा करना उस पर। अगर ये बात सच है ना तो काम्या बहुत तकलीफ में होगी। हे प्रभु रक्षा करोगे, कुछ भी हो वो हमारे घर की बहू है, हमको के लिए ना प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप मनोरमा जी, हम सबको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मालिनी को और उसके परिवार को सद्बुद्धि दे और वो सबके लिए सद्भावना रखना सीखे।
अप्रोप मॉरल एजुकेशन देने पे तुले हमको। अरे घर में रहने के लिए अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा कर दी हमने और अब हम साधु बने देवता बने का? अरे देवता ना बनो बाकी इंसान तो बनो। मालिनी तुम्हारे अंदर का इंसान ना एकदम खत्म होता जा रहा है और यही से हमको तुम पे बहुत तरस आता है। ए शट अप, समझे क्या? शट अप हो जाओ एकदम। हम पर तरस आ रहा है तुमको, हम पर? अरे पूरी जिंदगी हम तुम पर तरस खाते रहे ना जो, अब वो भी खत्म हो गया है, समझे क्या? देखो अभी भी टाइम है, इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाए ये सब खत्म करो और चलो अपने घर चलते हैं। और वैसे भी बिटिया का ससुराल है, कम से कम उसका भविष्य तो बर्बाद मत करो। देख रही हो काम्या कैसे मरने मरने पे हुआ ये, और तुमको भी पता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ए! चुपचाप बैठे रहो, समझेगा? एकदम सटअप हो जाओ, हम काई दे रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझेगा? अरे तू चार आंसू का छलका दिया अपने बिटिया के लिए, तुम सोचते हो हम ये सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे का? अरे जाइए जाइए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे ये सब पाने के लिए हमारी बिटिया इतना कुछ भुगत गई और आप कहते हैं कुंदन करके चले जाए यहाँ से? कभी नहीं, तुम्हारी तरह बुड़बक नहीं है हम। अरे ये सब से कुछ हासिल ना हो रहा है बल्कि जोन है वो खो रहा है। अरे कुछ नहीं खोएगा, हम भी बनेंगे वो क्या कहते हैं हाँ करोड़पति, और हमारी बिटिया भी एकदम ठीक हो जाएगी, हम कसम खाते हैं, जेंटल लेडी का ओथ है। बस एक बार हमारी प्रिंसू की शादी एक राज घराने में हो जाए फिर जो भोगना पड़ेगा हम भोगने को तैयार। वो गार्ड हमारा एग्जाम ले रहा है ना, ठीक है लेता रहे एग्जाम, हम भी सब कुछ छीन लेंगे। तो अब तुम भगवान से लड़ोगे? काहे ना लड़े, हर बार उन्हीं की मनमानी चलती रहेगी का? नहीं हम ऐसा होने नहीं देंगे। अरे ऑल लाइफ हमको इतना परेशान किया है गार्ड ने, इतना दुख दिया हमको, अब तो हम सुख लेकर रहेंगे, और अगर नहीं दिए ना गार्ड हमको सुख तो देखना हम छीन कर रहेंगे। फिर चाहे जिसको जो समझना है समझे, हमको पता है हम एकदम राइट है, आई एम राइट। अब तो गार्ड को हमारा साथ देना ही पड़ेगा। हम क्या कहें, बस इतना ही कह सकते हैं कि भगवान से लड़ाई मत लड़ो, बर्बाद हो जाओगी फिर बाद में रोना पड़ेगा। अरे ये आदमी फिर से शराब ने लग गया हमको। अरे इसका मुंह में को ठूसो भाई, मुंह बंद करो इसका। सलेंसर ठूस दीजिए। अरे कुछ तो ठूसो, सलेंसर ठूसो, मोटरसाइकिल ठूसो, कुछ भी ठूसो, मुंह बंद करो इसका, नहीं तो इसी तरह सारी जिंदगी रिरियाता रहेगा। देखो जी हमको गार्ड पर फुल बिलीफ है, समझेगा? हाँ चैलेंज दिया है ना, तो वो चैलेंज भी हमको मंजूर। उन्हें भी तो पता चले जब औरत अपने पर आती है ना तो जो चाहे हासिल कर सकती है। बिल्कुल सही। हम काम्या का सैक्रिफाइस यूं खाली नहीं जाने देंगे, देख लेना। अरे जितना दर्द हमारी बिटिया ने सहा है ना उससे 10 गुना ज्यादा दर्द भगत फैमिली सहेगी। अरे हम ब्लडी फैमिली को जेल से बाहर नहीं आने देंगे, देखते हैं कैसे निकलते हैं जेल से बाहर। यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए? अरे आप टेंशन बहुत जल्दी ले लेती हैं। अरे पहले ये तो जान लीजिए कि हम यहाँ पर कहाँ आए हैं। मुका है ना कि कोई आप पर एहसान करना चाहता है। एहसान? और हम पर?